सो गाइस देखो, आज ना बहुत दिनों के बाद में मैं आपके लिए थीम्स वाली वीडियो लेके आया हूँ। टॉप 3 थीम बताऊंगा MIUI 12 वाले, और आवाज़ में इग्नोर करना क्योंकि थोड़ी सी मुझे जुकाम हो गई है। अब देखो यहाँ पर आपको जो फर्स्ट थीम है मैंने अप्लाई कर दिया है, जैसे कि मैं आपको लॉक स्क्रीन दिखा देता हूँ सबसे पहले। तो ये आप यहाँ पर देखेंगे, एक एनिमेशन के साथ में आपको लॉक स्क्रीन मिलती है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ दूर से, तो इस तरह से आपको देखेंगे एनिमेशन वाली एक लॉक स्क्रीन आती है, इस तरह से आप देख सकते हैं। और जो क्लॉक है ना, आप यदि इसमें डबल क्लिक कर देते हैं तो ये एकदम वॉलपेपर रुक जाता है। अब इसे मैं उठाऊंगा इस तरह से, मतलब स्वाइप अप करूंगा, तो जो आपका फोन है अनलॉक हो जाता है। और इसके आइकन वगैरह आप देखेंगे पास से ना, तो कुछ इस तरह से देखने को मिलते हैं। तो इनमें आप कंफ्यूजन नहीं होने वाले हैं, मतलब कि कौन सा एप्लीकेशन आप ऐसा ढूंढते रहते हो, तो वो वाली प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी। अब गाइस इसके बाद में आप यदि यहाँ पर डायलर पेड में जाके देखेंगे तो आपका जो डायलर है वो भी चेंज हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे डायलर में भी वो जो पत्ती आती थी हमारी लॉक स्क्रीन में, कुछ इस तरह से जो हमारी पत्ती निकलती है, यही वाली आपको जो वॉलपेपर है सारी जगह में देखने को मिलता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं तो सेटिंग में भी यही वाला हमारा वॉलपेपर देखने को मिलता है बैकग्राउंड में। और यहाँ पर आप देखेंगे सेटिंग का जो लुक है वो भी डार्क में हो गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे अब जो हमारा स्टेटस बार है इस तरह से मिनिमल से देखने को मिलता है, और ज्यादा वीडियो को हम लॉन्ग नहीं करेंगे। और आपको देखो अपने थीम स्टोर पे जाना है और सिंपली इस वाले थीम को सर्च कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं नॉर्डिक मीट करके ये वाला जो थीम है, आप सर्च कर लीजिएगा, ये थीम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बात कर लेते हैं सेकंड थीम की। तो गाइस अभी आप देखेंगे जो हमारा सेकंड थीम है वो भी अप्लाई हो गया है। और ये एक ना, मतलब कि जिसे कार्टून बहुत पसंद है उस तरह का ये थीम है वो पसंद आने वाला है। और इसमें भी जो लॉक स्क्रीन है वो भी एनिमेटेड वाली है, मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। अभी आप देखेंगे जो उसके आइकन है ये भी मिनिमल से देखने को मिल जाते हैं, कुछ आपको यूनिकनेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपास में, क्लॉक में, और जो हमारी क्रोम है इसमें आप देखेंगे कैमरा में, आपको अलग अलग एक अनदर स्टाइल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है आइकन की। तो गाइस यहाँ पर आप देखेंगे, अब मैं आपको डायलर भी दिखा देता हूँ। यदि आपका जो डायलर है MIUI वाला है तो उसमें भी जो डायलर है यहाँ पर चेंज हो जाता है। और यदि आपका जो गूगल डायलर है ये जो डायलर होता है वो चेंज नहीं होता है। स्टेटस बार कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है, जो कैट वाली है ना हमारी, कैट का जो आइकन है छोटा सा, या फिर वॉलपेपर कह लें आप, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ब्लरनेस में। और यदि आप यहाँ से सेटिंग में जाते हो, कुछ इस तरह से आपको सेटिंग में देखने को मिलता है जो हमारा सर्च बार है, यहाँ से कुछ डुअल टोन में देखने को मिलता है ऑरेंज वाइट में। अब गाइस मैं आपको बता दूं इसकी लॉक स्क्रीन जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि कुछ इंटरेस्टिंग आपको लॉक स्क्रीन देखने को मिल जाती है। अभी आप देखेंगे जो हमारी लॉक स्क्रीन है कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलती है, और यहाँ पर ये एनिमेटेड टाइप देखने को मिलती है। यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ पर आप सिंपली कैट हाउस सर्च कर लीजिएगा, ये वाले थीम का नाम आ जाएगा, मतलब कि आप इसे सर्च करेंगे तो ये थीम निकल के आ जाने वाला है। तो देखो गाइस जो हमारा लास्ट थीम है वो भी अप्लाई हो गया है, और कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। जो इसके आइकन है वो तो मिनिमल से आपको देखने को मिलेंगे, बट गाइस जो हमारा लॉक स्क्रीन होने वाला है वो डेफिनेटली मैं आपको पसंद आने वाला है। तो गाइस मैं आपको आइकन दिखा देता हूँ पहले, तो आप आइकन देखेंगे कुछ इस तरह से, और ये लाइट थीम वाला आइकन है। बट गाइस यहाँ पर आप देखेंगे यदि स्टेटस बार में, तो स्टेटस बार हमारा एक ब्लर सा एक एनिमेशन के साथ में आता है। गाइस यहाँ से आप सेटिंग में जाके देखेंगे तो सेटिंग में भी इस तरह से आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं वॉलपेपर का डिजाइन। और तो गाइस बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप डायलर पेड में भी आएंगे और यहाँ से आपको डायलर में भी चेंज मिल जाता है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं डायलर। तो गाइस इसी तरह अब हम लॉक स्क्रीन की बात कर लेते हैं, तो लॉक स्क्रीन कुछ इस तरह से एनिमेशन के साथ में देखने को मिलती है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, इसमें आप देखेंगे कुछ इस तरह से एक एनिमेशन आता है। अभी आप देख सकते हैं ये थर्सडे है आज, और गाइस यहाँ पर आपको एनिमेशन भर भर के मिल जाते हैं। और गाइस जैसे कि आप यहाँ से राइट स्वाइप करते हैं इस तरह से, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं 3 ऑप्शन। जैसे कि आप इसे ब्लर करेंगे बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है, और ये जो राइट का ये जो हमारे वीक है ये भी आप इसे बंद करना चाहते हैं तो ये भी बंद हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो गाइस अभी आप देखेंगे जो हमने चार्ज में लगा दिया अपने फोन को, और इस तरह से अभी आप देखेंगे जो ये वेव्स जाती है इस तरह से, ये काफी ज्यादा डेफिनेटली मैं आपको पसंद आने वाली है चार्जिंग एनिमेशन की। अभी आप देखेंगे मैं इसे निकाल दूंगा तो ये जो हमारी साइड वाली वेव है वो भी हट जाती है। तो गाइस ये जो चार्जिंग एनिमेशन है डेफिनेटली मैं आपको पसंद आने वाला है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, और इस वाली थीम का मैं आपको नाम बता देता हूँ। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब देखो यहाँ पर आपको थीम पे जाना है, और सिंपली आप यहाँ पर थीम में जाने के बाद में सनसेट करके सर्च कर लीजिएगा तो ये वाला जो थीम है निकल के आ जाएगा। आपको सर्च बस करना है, ये वाला थीम निकल के आ जाता है। तो गाइस यहाँ पर आपको 2 वीडियो देखने को मिलेंगे, इनको भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।